हेलो दोस्तों, धर्मपुर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ कैंट रेलवे स्टेशन पुल के नीचे, जहाँ पर अमन जो है छोला भटूरा बेचता है। आज उसी का छोला भटूरा मैं खाऊंगा और उसका स्वाद भी लूँगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। दोस्तों, इसके लिए एक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, चलिए भटूरे का स्वाद लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अमन नाम है मेरा। अमन, ये कब से दुकान लगा रहे हैं आप? ये लगा रहे हैं आज, एक हफ्ता से लगा रहे हैं। एक हफ्ता से पहले क्या कर रहे थे? पहले हमारा ये बाटी चोखा दुकान था। अच्छा, तो ये कब से, एक हफ्ता से लगा रहे हैं? इसके पहले कोई अगर आएगा तो कैसे तो कहाँ देंगे आएंगे ग्राहकों को? लोग आएंगे तो कैसे, किसके नाम से आएंगे? हमारे नाम से। तो ये लगातार लगाते रहोगे? तो लॉकडाउन चल रहा था, कैसा बिजनेस चल रहा है इस समय? मतलब सही नहीं है, फिर एक बजे तक बंद कर दोगे? तो चलिए चलाइए उसको, भटूरा बनाइए। कैसे भटूरा बनाते हैं? ये क्या चीज़ है? मैदा, मैदा, मैदा का है ये? हाँ। कैसे प्लेट देते हैं? 30 रुपया। दो भटूरा छोला 30 रुपया। तो इसको मतलब बेलते हैं उसके बाद? बेल के हाथ से बेलते हैं। ये कौन सा स्थान है? कैंट। कैंट, कैंट स्टेशन। तो कोई कैंट स्टेशन अगर आएगा तो क्या नाम बताया था अमन? हाँ। दुकानों का मतलब बढ़िया सामान देते हो ना? चलिए पूछेंगे, चलिए दिखाइए, बताओ बताइए। तो इसको बेलते हैं आप लंबा? बेल के कहीं का बेला जाता है, फिर हाथ से पीटा जाता है। अच्छा, हाथ से पीटा भी जाता है? किस कंपनी से जुड़े हैं आप? ये भटूरा फोड़ने के लिए क्या बनाते हो, कुछ डालते उलते हो कि नहीं? अरे डालते हैं ना, वो बहुत पूछ लिए क्या डालते हैं, क्या करते हैं वो सब पूछेंगे। भले बताइए, मत बताइए। इसके लिए क्या बहुत छोला बनाते हैं ना? छोला कहाँ है भाई? इसको दिखाओ, पूरा खोल के दिखाओ। तो ये भटूरा है और ये क्या है? तला हुआ मिर्च है, तला हुआ मिर्च है। और इसका क्या भी देते हैं? और ये क्या चीज़ है? पूड़ी। इसके नीचे क्या है? बस छोला के साथ ही पूड़ी देते हैं मतलब। तो मतलब ये कैसे मिलता है? चार अगर देंगे तो कितना पड़ेगा? 5 पूड़ी और सब्जी 20 रुपये। तो ये अमन के दुकान पर हम आए हैं आज, मतलब यहाँ पर जो है कि छोला भटूरा बेचते हैं, कैंट के पास का दुकान है। कभी अगर आपको खाना पीना हो तो यहाँ पर जरूर आइए आप, और जो है कि खाना पीना हो तो जरूर आइएगा। और ये बढ़िया बनाते हैं और इसका खा कर देखेंगे कैसा स्वाद है, और उसके बाद मतलब ये बताएंगे कि मतलब कैसा स्वाद है, और खाने के बाद तो हम बताइए करेंगे। लेकिन कभी भी जरूरत पड़ेगा मतलब छोला भटूरा खाने के लिए तो कैंट के पास ही इनका दुकान है, आइए और ज़रूर खाइएगा एक बार। हाँ तो यार निकालो, दिखाओ, निकाल के दिखाते रहिए। जो जमता है वही।
छोला देते हैं और चटनी देते हैं, छोला प्याज देते हैं, केवल छोला शामिल करने का। ये तो चटनी है, एक चटनी है, एक प्लेट लगाइए हमारा। छोला दिए हैं, उसके बाद क्या दिए हैं, चटनी दी है, उसके बाद प्याज और मिर्चा दे रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि ये मिर्चा है, ये तला हुआ मिर्चा है, उसके बाद ये प्याज है, उसके बाद ये छोला है, और उसके बाद जो है ये तीखी चटनी है, और ये भटूरा है। ये 25 रुपया में जो है आपका दूध देते हैं, और कैंट जो उसके पास इनका दुकान है, यहाँ पर चलती है। तो आज इनका जो है भटूरा हम खा कर देखेंगे कैसा स्वाद है। अमन जी की दुकान पर जब भी आइए, आइए एक बार खा के देखते हैं कैसा स्वाद है। तो जब भी खाना एक बार, ये जो है कि ये जो है काबली चना है, काबली चना का छोला है, ये तीखी चटनी है, ये प्याज है, और ये मिर्चा है, भुना हुआ मिर्चा है, और साथ साथ जो है कि ये जो है कि ये आपका भटूरा है। ये कुल मिलकर व्यंजन 30-25 रुपये में एक प्लेट देते हैं। तो अमन जी की दुकान पर आइए और खाइए। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर इसका स्वाद मैं देखूँगा कैसा स्वाद है, और इसके स्वाद बारे में बताऊँगा। चलिए खा के देखते हैं हम लोग हैं। धर्म फूड में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों। भटूरा जो है बहुत लाजवाब है, और मुलायम भी है, और सॉफ्ट भी है, और उसके बाद उनका छोला भी है, उनका छोला भी बहुत मतलब घुला हुआ है, बढ़िया है, और जो है कि तीखा है, खाने में बेस्ट है। 30-25 रुपये में दो भटूरा और छोला के साथ, आज महंगाई के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह स्वाद अमन जी की दुकान का जो है छोला भटूरा का स्वाद बहुत बढ़िया है। ये भुना मिर्चा है, चला हुआ है, ये आपको तीखा चीज खा सकते हैं, नहीं खाएंगे कोई बात नहीं है। और चटनी भी जी लाजवाब जो तीखी चटनी, भटूरा और जो है इसका छोला बहुत बढ़िया है। पूरा फ्रेंड का बहुत बढ़िया है, और स्वाद ही बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, मुझे दुकान का जो है सुलभ सुलभ बहुत बढ़िया है। तो दुकान ही लगता है आपका बराबर? जी हाँ। लॉकडाउन में जो है कि 1 बजे तक दुकान बंद करने से फायदा तो होता नहीं है? नहीं हाँ, 1 बजे तक बंद कर देते हैं, फायदा होता नहीं है। जब ज़्यादा ग्राहक भी आएंगे तब ना, फिर उसके बाद पुलिस का भी डर रहता है, एक बात खोल नहीं सकती। लेकिन एक बात है, कोई भी खाए लेकिन उसको पैसा देना चाहिए, हमारा कहने का तात्पर्य इस बात। क्या करें सर, नहीं देते तो क्या करें, लड़ाई करेंगे भैया, नहीं देंगे जाइए, आप तो हाथ जोड़ेंगे जाइए। डर भी रहता है लोगों का भाई, डर भी रहता है ना, हमेशा बनाना लगाना होता है, और क्या, डर तो रहे करता है।
तो ये तो कैंट स्टेशन है ना? हेलो दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यहाँ पर दोस्तों आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, बहुत थोड़ी सी दुकानें खुल रही हैं। इस समय दोस्तों वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं एक और भी चैनल बना रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है वर्ल्ड लाइफ लाइन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ऐसा है कि इस चैनल की तरह वर्ल्ड लाइफ लाइन को भी सपोर्ट मिलेगा। आशा है दोस्तों कि आप इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे। जब भी बाहर निकलिएगा दोस्तों तो फेस मास्क का जरूर प्रयोग करिएगा दोस्तों। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे नए फूड व्यंजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।